लॉन्च करें। लोगों की सुविधा हेतु इस ऐप में जल जीवन मिशन से संबंधित सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध है। जल जीवन मिशन में हो रही प्रगति, पानी की गुणवत्ता की जांच एवं निगरानी, वाटर सप्लाई स्कीम का विवरण इस ऐप से सभी लोग देख सकते हैं। हर राज्य, हर जिले तथा हर गांव की प्रगति भी इस ऐप में देखी जा सकती है। ग्राम पंचायत, पानी समिति के सदस्यों, पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए चिन्हित महिलाओं के नाम इत्यादि भी देखे जा सकते हैं। जलापूर्ति संबंधित शिकायतें तथा दान भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। इस ऐप में क्षेत्रीय इंजीनियर्स तथा पानी समिति लॉगिन करके अपने गांव के जल स्रोत तथा पानी की टंकी इत्यादि की जियो टैगिंग कर सकेंगे तथा हर घर जल का प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इस ऐप को jjm.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। विश्व नेता के रूप में सारी दुनिया में बड़े सम्मान से जाने जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी मन से, देश की मिट्टी से, ग्रामीणों से, जड़ों से, जनों से जुड़े हैं और इसीलिए जन जन का जीवन स्तर उठाने, जन के जीवन में आसानी लाने के लिए वे प्रणबद्ध हैं। जल से जन जीवन को निखारने का उनका प्रयास पूज्य बापू के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की आस और विश्वास बन चुके माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री विश्वेश्वर टुडू जी, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्रीगण, देशभर की पंचायतों से जुड़े सभी सदस्य, पानी समिति से जुड़े सदस्य और देश के कोने कोने में वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कोटि कोटि मेरे भाइयों और बहनों, आज 2 अक्टूबर का दिन है। देश के 2 महान सपूतों को हम बड़े गर्व के साथ याद करते हैं, पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों महान व्यक्तित्वों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उत्साह और ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है और आज ये हम इस आयोजन में होते हुए देख रहे हैं। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस पर, इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है,
वॉटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। आपके गांव की जानकारी उस पर होगी। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस फ्रेमवर्क से वाटर क्वालिटी को बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। गांव के लोग भी इसकी मदद से अपने यहां के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। साथियों, इस वर्ष पूज्य बापू की जन्म जयंती हम आजादी के अमृत महोत्सव के इस महत्वपूर्ण कालखंड में साथ साथ मना रहे हैं। एक सुखद एहसास हम सभी को है कि बापू के सपनों को साकार करने के लिए देशवासियों ने निरंतर परिश्रम किया है, अपना सहयोग दिया है। आज देश के शहर और गांव खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। करीब करीब 2 लाख गांवों ने अपने यहां कचरा प्रबंधन का काम शुरू कर दिया है। 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का भी फैसला लिया है। लंबे समय तक उपेक्षा की शिकार रही खादी हैंडीक्राफ्ट, इसकी बिक्री भी अब कई गुना ज्यादा हो रही है। इन सभी प्रयासों के साथ ही आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। आत्मबल, इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े। गुजरात में अपने लंबे सेवा काल के दौरान मुझे ग्राम स्वराज के विजन को जमीन पर उतारने का अवसर मिला है। निर्मल गांव के संकल्प के साथ खुले में शौच से मुक्ति, जल मंदिर अभियान के माध्यम से गांव की पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित करना, ज्योतिर्ग्राम योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना, तीर्थग्राम योजना के तहत गांव में दंगे फिसाद के बदले में सौहार्द को प्रोत्साहन देना, ई ग्राम और ब्रॉडबैंड से सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी, ऐसे अनेक प्रयासों से गांव और गांव की व्यवस्थाओं को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया गया। बीते 2 दशकों में गुजरात को ऐसी योजनाओं के लिए, विशेषकर पानी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी अनेकों अवार्ड भी मिले हैं। साथियों, 2014 में जब देश ने मुझे ये नया दायित्व दिया तो मुझे गुजरात में ग्राम स्वराज के अनुभवों का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का अवसर मिला। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सरपंच चुनना इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग
और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो, इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ग्राम स्वराज को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण जल जीवन मिशन और पानी समितियां भी है। साथियों, हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि कैसे गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लेने के लिए मीलों मीलों दूर चलकर जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में गांव का नाम लेते ही ऐसी ही कठिनाइयों की तस्वीर उभरती है, लेकिन बहुत ही कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है, आखिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता। मैं समझता हूं जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया, क्योंकि ये लोग जिन स्थानों पर रहे वहां पानी की इतनी दिक्कत उन्होंने देखी नहीं थी। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था। घर में पानी, स्विमिंग पूल उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी, ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी। इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही, लिटरेचर और बौद्धिक ज्ञान दिखाने का जरिया बन गई। इन लोगों में एक आदर्श गांव के प्रति मोह होना चाहिए था, लेकिन ये लोग गांव के अभावों को ही पसंद करते रहे। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी है। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। हमने ना सिर्फ लोगों तक, किसानों तक पानी पहुंचाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि भूजल स्तर बढ़े। ये एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। आज जो नतीजे हमें मिल रहे हैं वो हर भारतीय को गर्व से भर देने वाले हैं। आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में
उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। वो अपने समय का सदुपयोग अपनी बेहतरी, अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने रोजगार पर उसको शुरू करने में कर पाएगी। भाइयों और बहनों, भारत के विकास में पानी की कमी बाधा न बने इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है। सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हैं। पानी की कमी की वजह से हमारे बच्चे अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में न लगा पाए, उनका जीवन पानी की किल्लत से निपटने में ही बीत जाए, ये हम नहीं होने दे सकते। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर अपना काम जारी रखना होगा। आजादी के 75 साल बहुत समय बीत गया, अब हमें बहुत तेजी करनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में टैंकरों या ट्रेनों से पानी पहुंचाने की फिर नौबत ना आए। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं, बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। वो पानी का मूल्य ही नहीं समझते। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है। वही जानता है एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। हमने देखा है कई जगह नल से पानी गिरता रहता है, लोग परवाह नहीं करते। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो रात में नल खुला छोड़कर उसके नीचे बाल्टी उलटकर रख देते हैं। सुबह जब पानी आता है, बाल्टी पर गिरता है, तो उसकी आवाज उनके लिए मॉर्निंग अलार्म का काम करती है। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया भर में पानी की स्थिति कितनी अलार्मिंग होती जा रही है। मैं मन की बात में भी अक्सर ऐसे महानुभावों का जिक्र करता हूं जिन्होंने जल संरक्षण और जल संचयन को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाया हुआ है। ऐसे लोगों से भी सीखा जाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रयोग होते हैं, उसकी जानकारी हमें अपने गांव में काम आ सकती है। आज इस कार्यक्रम से जुड़ी देश भर की ग्राम पंचायतों से भी मेरा आग्रह है, गांव में पानी के स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जी जान से काम करें। बारिश के पानी को बचा रखकर घर में उपयोग से निकले पानी का खेती में इस्तेमाल करके कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देकर ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। साथियों, देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषित पानी की दिक्कत है। कुछ क्षेत्रों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है।
ऐसे क्षेत्रों में हर घर में पाइप से शुद्ध जल पहुंचना वहां के लोगों के जीवन को मिले सबसे बड़े आशीर्वाद की तरह है। एक समय इंसेफेलाइटिस दिमागी बुखार से प्रभावित देश के 61 जिले 60 से अधिक जिले में नल कलेक्शन की संख्या सिर्फ 8 लाख थी, आज ये बढ़कर 1,11,00,000 से ज्यादा हो गई है। देश को जो जिले विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए थे, जिन जिलों में विकास की एक अभूतपूर्व आकांक्षा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। आकांक्षी जिलों में अब नल कनेक्शन की संख्या 31 लाख से बढ़कर 1,16,00,000 से ज्यादा हो गई है। साथियों, आज देश में पीने के पानी की सप्लाई ही नहीं, पानी के प्रबंधन और सिंचाई का एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को लेकर भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। पानी के प्रभावी प्रबंधन के लिए पहली बार जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पानी से जुड़े अधिकतर विषय लाए गए हैं। मां गंगा जी के साथ साथ दूसरी नदियों के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ काम चल रहा है। अटल भूजल योजना के तहत देश के 7 राज्यों में ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहा है। बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाइप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन पर भी बहुत बल दिया गया है। अब तक 13,00,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक ऐसे प्रयास चल रहे हैं। लंबे समय से लटकी सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाओं में से लगभग आधी पूरी की जा चुकी है और बाकियों पर तेजी से काम चल रहा है। देश भर में डैम्स की बेहतर मैनेजमेंट और उनके रखरखाव के लिए हजारों करोड़ रुपए से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 200 से अधिक डैम्स को सुधारा जा चुका है। साथियों, कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में भी पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। हर घर जल पहुंचेगा तो बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। अभी हाल ही में सरकार ने पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम को, पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी होगी और उन्हें पोषण भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना पर केंद्र सरकार 54,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। इसका लाभ देश के करीब करीब 12 करोड़ बच्चों को होगा। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है कि उपकर्तुम यथा सुअल्पम, समर्थो न तथा महान, प्रायः कूपः तुषामहन्ति सततम् न तु बारिदेहि। यानी पानी का एक छोटा सा कुआं लोगों की प्यास बुझा सकता है, जबकि इतना बड़ा समुंदर ऐसा नहीं कर पाता।
ये बात कितनी सही है, कई बार हम देखते हैं कि किसी का छोटा सा प्रयास बहुत से बड़े फैसलों से भी बड़ा होता है। आज पानी समिति पर भी यही बात लागू होती है। जल व्यवस्था की देखरेख और जल संरक्षण से जुड़े काम भले ही पानी समिति अपने गांव के दायरे में करती है, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। ये पानी समितियां गरीबों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। जिन लोगों को आजादी के बाद 7 दशकों तक नल से जल नहीं मिल पाया था, छोटे से नल ने उनकी दुनिया ही बदल दी है। और ये भी गर्व की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले हमने जल जीवन संवाद के दौरान भी देखा है कि इन पानी समितियों में गांव की महिलाएं कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। मुझे खुशी है कि गांव की महिलाओं को अपने गांव के पानी की जांच के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथियों, गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते वर्षों में बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। घर और स्कूल में टॉयलेट्स, सस्ते सैनिटरी पैड्स से लेकर गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए हजारों रुपयों की मदद और टीकाकरण अभियान से मातृशक्ति और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लगभग 8.5 हजार करोड़ रुपए की सीधी मदद दी जा चुकी है। गांवों में जो 2.5 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं, उनमें से अधिकांश पर मालिकाना हक महिलाओं का ही है। उज्ज्वला योजना ने गांव की करोड़ों महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। मुद्रा योजना के तहत भी लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए भी ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता के मिशन से जोड़ा जा रहा है। पिछले 7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी, बीते 7 सालों में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी की गई है। 13 गुना। इतना ही नहीं, लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन माताओं बहनों को उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना गारंटी ऋण में भी काफी वृद्धि की है। भाइयों और बहनों, भारत का विकास गांवों के विकास पर ही निर्भर है। गांव में रहने वाले लोगों, युवाओं, किसानों के साथ ही
सरकार ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जो भारत के गांवों को और ज्यादा सक्षम बनाए। गांव में जानवरों और अगर हम सबके लिए इसमें एक संदेश है जिसको आज पूरे देश को गांठ बांधना चाहिए वो ये कि पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करें। अगर पानी प्रचुरता में है तो ये ना समझें कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। पानी की हर एक बूंद की कीमत समझी जाए। सरकार अपनी तरफ से जो कोशिशें कर रही है उस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विस्तार से बताया, अभी भी बता रहे हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमको क्या करना है उस बारे में भी हमको सोचने के लिए इन्हीं मौकों का प्रयोग करना है और संकल्प लेना है। लेकिन अब उस अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं जिस बारे में सोचना और बात करना बेहद जरूरी है। कृषि कानूनों को लेकर पीएम का विपक्ष पर सबसे बड़ा हमला। विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो देखिए। विपक्ष पर राजनीतिक धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है प्रधानमंत्री ने। पीएम ने कृषि कानूनों के विरोध को बताया है बौद्धिक बेईमानी। आधार और जीएसटी के मामले में भी राजनीतिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है प्रधानमंत्री ने। देश की सुरक्षा के मुद्दों पर भी राजनीतिक धोखाधड़ी की गई है, मोदी ने कहा। एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में पीएम ने विपक्ष को तमाम मुद्दों पर आईना दिखाया। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार संवैधानिक पद पर उनके 20 साल पूरे हुए। इस मौके पर उन्होंने एक पत्रिका को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में यह अहम बात कही है कि इस समय का विपक्ष अहम मुद्दों पर राजनीतिक धोखाधड़ी कर रहा है। जिन मुद्दों को वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करता था उन मुद्दों को जब पूरा करने का काम, उन वादों को पूरा करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है तो उस पर वो यू टर्न लेते हुए विरोध का काम कर रहा है। और यही है बौद्धिक बेईमानी। जिसको आप कभी जनता के हित में समझकर मैनिफेस्टो में शामिल करते थे वो आपने पूरा नहीं किया और जब आज की सरकार उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है तो आप उसे खिलाफ बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं देश के और जनता के। यही है बौद्धिक बेईमानी, कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसानों पर सियासी धोखा, ये क्यों कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? और सिर्फ किसानों के मुद्दे पर नहीं, उन्होंने कहा कि आधार पर भी आपने यही किया। जिस काम को खुद आप सत्ता में रहते हुए सही समझते रहे आप कर नहीं पाए, आज सत्ता में रहते हुए जब हम उसको संभव बना रहे हैं तो आप उसे गलत बता रहे हैं। वही आपने आधार के साथ किया, वही आपने जीएसटी के साथ किया, वही किसान के लिए जो हम कानून लेकर आए उस पर आपने किया, यहां तक कि रक्षा सौदों के संदर्भ में भी आपने यही किया। 2001 में गुजरात के सीएम बनने से लेकर अब तक पीएम मोदी संवैधानिक पद पर, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, 20 साल पूरे कर चुके हैं। और इसी मौके पर एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में पीएम ने और क्या कुछ कहा है उस पर पहले निगाह डालते हैं। ये हैं उस इंटरव्यू की बड़ी बातें। राजनीतिक धोखाधड़ी, बौद्धिक बेईमानी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कृषि बिल का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में विस्तार से संसद में भी बोला था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पहले की कोई व्यवस्था आज खतरे में नहीं आ रही है बल्कि कुछ एडिशनल प्रोविजंस किए जा रहे हैं जो किसान को और समृद्ध बनाने का और सशक्त बनाने का काम करेंगे। ऐसे में विपक्ष का ये विरोध, इसको लेकर विरोध का ये माहौल, कुछ लोगों को बरगला कर वहां धरना आंदोलन करके ये दिखाने का कि कोशिश की पूरे देश में किसान परेशान नहीं है, बौद्धिक बेईमानी नहीं तो क्या है? सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई बिंदुवार ये नहीं बता पाया कि इसमें सुधार क्या करना चाहिए। विपक्षी पार्टियां घोषणा पत्र में शामिल बातें भूल जाती हैं, बाद में खुद की कही हुई बातों से यू टर्न ले लेती हैं किसानों के हित में किए गए रिफॉर्म पर। यही हो रहा है और यही बौद्धिक बेईमानी है और राजनीतिक धोखाधड़ी है। इतने बड़े देश में ये बात बिल्कुल सच, अगर आप सोचें तो आपको ये एकदम सही बात लगेगी कि इतने बड़े मुल्क में क्या आप ये सोच सकते हैं कि हर कोई एक परिवार में हर किसी को एक बात पर रजामंद करना मुमकिन नहीं होता। इतने बड़े देश में कोई एक फैसला सबको मान्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक छोटा समूह अगर उसका विरोध कर रहा है तो फैसला नहीं लिया जाए ये ठीक नहीं, तो भी फैसला लिया जाना चाहिए क्योंकि ये गलत नहीं है, फैसला व्यापक हित में है तो लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और ये बात कि ये राजनीतिक धोखाधड़ी है, ये सियासी बेईमानी है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।